चम्बल में डाकुओं ने एक बार फिर से सिर उठाते हुए मालगाड़ी लूटने की कोशिश की, लेकिन उनके मंसूबे कामयाब नहीं हो सके। आपको बता दें कि ये मामला मुरैना का है, जहां डकैतों ने शक्कर से लदी मालगाड़ी लूटने की कोशिश की है, लेकिन रेलवे पुलिस फोर्स का सामना नहीं कर पाए। आरपीएफ ने फायरिंग की तो जवाबी कार्रवाई में डाकुओं को सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। गोलीबारी में एक डकैत घायल हो गया है, उसका इलाज कराया जा रहा है। आपको बता दें कि गोवा एक्सप्रेस का इंजन फेल होने की वजह से सिकरौदा रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी को रोका गया था। इसका इंजन गोवा एक्सप्रेस में लगाया जा रहा था। ऐसे में शक्कर की बोरियों वाली मालगाड़ी रात में ही वहीं खड़ी रही। रात में ही बदमाशों ने मालगाड़ी के सबसे पीछे के डिब्बे का पहला गेट काट लिया और उसका कुंडा भी काट कर अलग कर दिया। गेट काटने के बाद लुटेरों ने उसमें रखी बोरियां उतारनी शुरू कर दी थी। आरपीएफ को जब इसका पता लगा तो वो मौके पर पहुंचे और उसने बदमाशों को ललकारा। आरपीएफ के ललकारते ही लुटेरों ने बोरियां वहीं छोड़ी और वहां से भागने लगे। इसके बाद आरपीएफ ने उनका पीछा किया। आरपीएफ को रोकने के लिए लुटेरों ने फायरिंग भी की। आरपीएफ ने भी जवाबी फायरिंग की। इस गोलाबारी का फायदा उठाते हुए लुटेरे भाग खड़े हुए। इसी बीच एक गोली एक लुटेरे के पैर में लग गई। पैर में गोली लगते ही वह गिर पड़ा, जिससे आरपीएफ ने उस लुटेरे को पकड़ लिया है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।